अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे पापड़ी। पापड़ी बनाने के लिए हम लेंगे मैदा 2 कप, घी मेल्ट किया हुआ 3 से 4 टेबल स्पून, नमक 1/2 टीस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैदे में नमक, अजवाइन और मेल्ट किया हुआ घी डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को मैदे में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। घी अच्छी तरह मैदे में मिक्स होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंद लेंगे। इस आटे को नॉर्मल रोटी के लिए जो आटा गूंदा जाता है उससे ज़रा सख्त गूंदेंगे। पाँच मिनट हो गए हैं आटे को गूंदते हुए। आटा हमारा रेडी है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे, फिर उसके बाद इसकी पापड़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। 15 मिनट हो गए हमें आटे को रेस्ट दिए हुए, अब हम पापड़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। ये अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप आटा गूंद के पापड़ी नहीं बना सकते, तो आप ये इस तरह रोल पट्टी या समोसा पट्टी को भी यूज़ करके पापड़ी बना सकते हैं। आज दोनों तरीक़ों से हम आपके सामने पापड़ी बनाएंगे। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। थोड़ी से बेल लेंगे। अब हम इसे पापड़ी की शेप देंगे। वो कोई सा भी आप बॉटल का कवर यूज कर सकते हैं। अब ये जो आटा इसे ऊपर से हटा देंगे। इस आटे को बेल के इसकी फिर पापड़ी बना लेंगे। इसे साइड पे ट्रे में रखते जाएंगे। पापड़ी बनाने का एक और तरीका भी है कि आप पेड़े ही छोटे छोटे लें, फिर उसे बेल लें। छोटे छोटे पेड़े लेके इनको भी लेंगे। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब इनकी साइड चेंज करेंगे।
ऑयल गर्म करने के बाद आंच स्लो कर देंगे। अगर आंच तेज़ रखेंगे तो पापड़ी नहीं पूड़ी बन जाती है। ये देखें, मैं इसे ऊपर से प्रेस भी नहीं कर रही, प्रेस करने से ये फूल जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। ये पापड़ी रेडी है, इसे हम निकाल लेंगे। ये पापड़ी भी रेडी है, इसे भी निकाल। अब ये भी फ्राई कर लेंगे, जो छोटा पेड़ा लेके बनाई थी। आंच स्लो रखेंगे, नहीं तो ये पूड़ियाँ बन जाएंगी। अब इनकी साइड चेंज करेंगे। ये भी रेडी है, इसे भी निकाल देंगे। अब हम रोल पट्टी या समोसा पट्टी के थ्रू जो पापड़ी बनाते हैं वो फ्राई करेंगे। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। पापड़ी हमारी रेडी है, ये वो पापड़ी है जिसे हमने रोल पट्टी से बनाया है, ये वो पापड़ी है जिसे हमने छोटे छोटे पेड़े लेके बेल के बनाया था, और ये वो पापड़ी है जिसे हमने रोटी बेल के इस पोर्टल के कवर से काट के बनाया था। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।